waiting to be discovered, but I can't. Somehow when the cameras are on, not that you're going to ask me to do it and not that I'm going to do it, but... तो दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ कई सालों बाद इस नई अपकमिंग एक्शन फिल्म में दिखेगी दीपिका पादुकोण। जी हां, इस समय अक्षय कुमार की कई सारी मूवीज की अनाउंसमेंट हो रही है और इसी बीच अब खबर है कि रोहित शेट्टी अक्षय कुमार के साथ एक अन्य एक्शन फिल्म के लिए भी साझेदारी करने जा रहे है। जी हां, ये एक एक्शन फिल्म होगी जिसका निर्देशन मोहित शुरू करेंगे। रोहित, मोहित और अक्षय, ये तीनों काफी समय से इस फिल्म पर चर्चा कर रहे थे। अब आखिरकार तीनों के मनमाफिक स्क्रिप्ट तैयार है। पोर्टल के सूत्र के अनुसार यह एक एक्शन फिल्म होगी जिसमे अक्षय कुमार का बिल्कुल नया और रोमांचक अंदाज देखने को मिलेगा। इस फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलेगी क्योंकि कहानी में कई निर्णायक किरदार हैं। रोहित शेट्टी की आगामी फिल्मों में यह शीर्ष शुमार है। वहीं इस बड़ी सी कास्ट में हमें अक्षय कुमार के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, ऐसी खबरें हैं। अब दीपिका पादुकोण का इस फिल्म से नाम जुड़ने के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट का माहौल बन चुका है। फैंस कई दिनों से अक्षय कुमार की एक्शन मूवीज का इंतजार कर रहे थे और खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपने फैंस की बात सुन ली है और कॉमेडी के साथ साथ वे एक्शन मूवीज भी कर रहे हैं। वही अक्षय, मोहित, रोहित की इस फिल्म की स्क्रिप्ट और नरेशन का काम पूरा हो चुका है। इसे लेकर औपचारिकताएं भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब टीम इसकी शूटिंग शेड्यूल को तय करने में लगी है। इसकी शूटिंग अगले साल की शुरुआत में शुरू हो सकती है। सूर्यवंशी की सफलता के बाद अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी दोनों इसे लेकर काफी उत्साहित है। वही रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन काफी समय से चर्चा में है। एक तरफ सिंघम के प्रशंसक इसे लेकर काफी उत्साहित है, वही रोहित शेट्टी के लिए यह भी एक महत्वाकांक्षी फिल्म है। सिंघम अगेन में सितारों की फौज नजर आने वाली है। अजय देवगन इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म में दीपिका पादुकोण लेडी सिंघम के रूप में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार और रणवीर सिंह का कैमियो होगा। फिल्म में टाइगर श्रॉफ की भी शामिल होने की खबरें हैं। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की शुरुआत अजय देवगन के सिंघम के साथ 2011 में हुई थी। इसके बाद साल 2014 में अजय देवगन की सिंघम रिटर्न्स आई, फिर 2018 में रणवीर सिंह की सिम्बा और 2020 में अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के साथ यूनिवर्स बड़ा होता चला गया। खैर दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डायहार्ड फैन हैं तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवीज से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।